हेलो दोस्तों, मिष्टी फूड में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हमने गेहूं के आटे और हरी पालक का बहुत ही स्वादिष्ट चिल्ला तैयार किया है। आप भी नाश्ते में खाने में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए हमने कैसे बनाया है गेहूँ के आटे और हरी पालक का चिल्ला। इसके लिए हमने हरी पालक ली है, हमने धो करके बीन करके एकदम तैयार कर लिया हरी पालक को। इसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। सारे हरे पालक को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और डालेंगे एक कटा हुआ हरा मिर्चा। और तीखा ज़्यादा खाते हो तो मिर्च और बढ़ा दीजिए आप। और उसके बाद एक कटोरी पानी डालेंगे। हमने देखे मिक्सी के जार में हरी पालक को पीस लिया है। अब एक बैटर तैयार करते हैं। इसमें हम डालेंगे हरी पालक में एक कटोरी गेहूं का आटा। अब पानी एक साथ मत डालिएगा आप, ऐसे मिक्स कर दीजिए कि ज़रा भी गेहूँ के आटे की जो आटा हमने डाला है उसकी गुठलियाँ ना बने। और इस तरह से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद मिक्सी के जार में थोड़ा पानी आप डाल दीजिए और उस पानी को इसी बैटर में आपको डाल देना है। इस तरह से पतला घोल आपको तैयार करना है। फिर डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। अब मिक्स कर दीजिए नमक को भी। इस तरह से आपको मिलाते जाना है कि आटे की गुठलियाँ ना पड़े इसमें। और फिर इसमें हम डालेंगे सूजी, 25 ग्राम से कम सूजी है। और इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए। सूजी डालने के बाद सूजी का फूलना थोड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक देंगे। और देखिए हमने ढक दिया था 15 मिनट के लिए। अब अच्छे से सूजी भी फूल गई होगी। हम तवा चढ़ाएंगे और तवे में थोड़ा सा एक बार सिर्फ आपको ऑयल लगाना है, लगा दीजिए। और इसके बाद हम अपना चिल्ला बनाते हैं। से दो कलछुल हमने इसमें डाल दिया और इसको फैला देंगे। आप इसको चिल्ला नाम दीजिए या डोसा नाम दीजिए, डोसे की तरह ही बन करके तैयार होता है। और देखिए पक गया है। ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर हम अपने चिल्ले को उलट देंगे। इस तरह से उलट दीजिए दोनों तरफ से, बहुत अच्छे से सीख जाए। अब बहुत ही स्वादिष्ट आपका नाश्ता कहिए या खाना कहिए, कुछ भी ये बन करके तैयार हो जाएगा। और हम इसको देखिए हम नाश्ते के प्लेट में हम निकाल लेते हैं। हमने पहले से भी सारे चिल्ला को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके साथ आप कोई भी चटनी बना के खा सकते हैं। हमने तो दही ली है, दही में हम डालेंगे भुना हुआ जीरा और फिर डालेंगे काला नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आप मीठा खाते हो तो थोड़ा चीनी भी डाल सकते हैं। और अच्छे से दही को मिक्स कर दीजिए। और इसके साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप भी बना के ट्राई कर सकते हैं। आप इसको नाश्ते में बनाइए या खाने में बनाइए और बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।